ही नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम केवीएस टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती, साथ ही आगामी 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं केवीएस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो आज आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। बस वीडियो को आप सभी ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे जो है केवीएस पीजीटी भर्ती की। तो सबसे पहले हम यहां पे जान लेते हैं कि जो है एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मैं यहां पे बता दूं कि मैक्सिमम जो आप सभी की एज होनी चाहिए वो साथियों यहां पे 40 साल, मतलब कि 40 साल से नीचे ही रहना चाहिए, 40 साल से ऊपर वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम यहां पे करें तो साथियों यहां पे मास्टर डिग्री यानी कि पीजी में आप सभी के जो है कम से कम 50% तो जरूर ही होने चाहिए, यानी कि यहां पे जो है 50% से अगर आपके नीचे है यहां पे परसेंटेज तो फिर आप आवेदन के लिए वंचित रह जाएंगे। और वहीं अगर बात करें जो है टेट या फिर सीटेट की तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है साथियों। पीजीटी के लिए याद रखिएगा, यहां पे जो है केबीएस पीजीटी के लिए बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। और अगर हम बात करें बीएड की तो यहां पे साथियों जो है बीएड होता है कंपलसरी, लेकिन हर जगह बीएड भी कंपलसरी नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो वहां पे साथियों बीएड की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी का जो है वो मात्र पीजी होना चाहिए, वो भी 50% मार्क के साथ। अब यहां पे अगर हम बात करें जो है नेक्स्ट यानी कि टीजीटी की, तो साथियों जो है केवीएस टीजीटी के लिए सबसे पहला कि यहां पे आप सभी का जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो साथियों चाहे बीए बीएससी या फिर बीटेक बीकॉम कोई सा, लेकिन वहां पे भी आप सभी को 50% मार्क्स होने चाहिए। जी हां साथियों, 50% से नीचे है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहां पे सीटेड भी कंपलसरी होता है। जी हां साथियों, यहां पे केबीएस जो है वो टीजीटी के लिए सीटेड कंपलसरी होता है। साथ ही अगर हम बात करें यहां पे एज लिमिट की तो यहां पे मैक्सिमम 35 इयर्स तक की आप सभी की जो एज है ये होनी चाहिए, मतलब कि इससे ज्यादा है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब साथियों कुछ लोग केबीएस टीजीटी भर्ती को ही रिलेट करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से, कहीं कहीं तो आप सभी को यह भी बताया जाता है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इसके लिए भी टेट या फिर सीटेड अनिवार्य हो गया है। बट साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएड की ही अनिवार्यता अभी तक रखी गई है और आने वाले समय में भी यहां पे कोई भी टेट या फिर सीटेट की अनिवार्यता देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर हम इसके बाद बात करें टीजीटी पीजीटी 27,000 नई भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो साथियों जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो साथियों नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यहां पे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो साथियों प्रीवियस वैकेंसी के हिसाब से ही रहेगी, बट यहां पे एज लिमिट में जरूर फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर इसका विज्ञापन विधानसभा चुनाव के पहले जारी कर दिया जाता है तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यूज भी नहीं होगा और साथ ही यहाँ पे एज लिमिट में 6 मंथ का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, यानी जनवरी 2022 से जो एज होगी वो काउंट की जाएगी। तो साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दें लाइक, साथ ही चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।